नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो कि रिकवरी सॉफ्टवेयर है। आप इससे किसी भी टाइप की रिकवरी, इवन चाहे पेन ड्राइव हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या आपका माइक्रो एसडी कार्ड हो, किसी भी टाइप के डाटा की रिकवरी बहुत ही इजी तरीके से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कैसे आप इसको इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर को और कैसे इसको एक्टिवेट करना है। लेट्स सी, सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है यूजर्स के नाम से, जिसकी अप्रोक्स कॉस्ट 10 to 12,000 है। लाइफ टाइम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं जिसकी अप्रोक्स कॉस्ट है, बट आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। उसको आपको बताऊंगा कैसे आपको एक्टिवेट करना है। सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉल कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 5 मिनट में डाउनलोड हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी इंस्टॉल हो गया है। इसमें क्रैक, इसमें लाइसेंस की है। कैसे एक्टिवेट करना है अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारी लाइसेंस की है। एक्टिवेट करने से पहले हमारे को दो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। UCFG.bin करके, bin एंड config.dat, इन दो फाइलों को हम जो मेन डायरेक्टरी है जिसमें सॉफ्टवेयर की जो मेन डायरेक्टरी जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हुआ है प्रोग्राम फाइल्स में, इन दो फाइलों को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं अपडेट यहाँ पे मांग रहा है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, अभी इसको एक्टिवेट करेंगे। ये देखिए, ये सारी ड्राइव्स दिखा दी हैं। अभी मैं सॉफ्टवेयर को अभी बंद कर देता हूं, इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारे को दो मेन फाइलें जो हैं डिलीट करनी हैं। उसको डिलीट करने के बाद फिर हम इसको एक्टिवेट करेंगे। प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, यूजर्स, ये हमारा, तो मेरे को सर्च कर लेते हैं जो दो फाइलें मुझे डिलीट करनी है, UCFG। सर्च करेंगे हम इसको, ये यहाँ पे शो हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको मैग्नीमाइज कर देता हूँ। ये देख, UCFG, इसको हमें डिलीट करना है शिफ्ट करके। ये मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, कंटिन्यू। जाएंगे, दूसरी फाइल है CONFIG config.dat। तो CONFIG config.dat को भी हमें डिलीट करना है। ये सर्च कर ली है, इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देते हैं इसको। ये भी डिलीट हो गई है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे, सॉफ्टवेयर को हम रन करेंगे।
अगर आप अपडेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है लाइसेंस कोड, यहाँ से मैं लाइसेंस की को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं अपग्रेड कर देते हैं। अपग्रेड सक्सीडेड, ये मेरा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो चुका है। अब ये इसको क्लोज कर देता हूं, तो मैं आपको ये लाइसेंस भी दे दूंगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर को रन कर लेते हैं, इसमें आपको बताऊंगा क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये इसने ड्राइव्स दिखा दी हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और सॉरी कोई ड्राइव नहीं है ये। मैं डी को, सपोज मेरे को डी को स्कैन करना है, मैं डी को सिलेक्ट करूंगा। सी को करना है तो मैं सी को सिलेक्ट करूंगा, मुझे डी को स्कैन करना है। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने टाइप्स दिखा दिया है, ऑल फाइल टाइप्स, ग्राफिक्स, ऑडियो सर्च करना है, डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं, या फिर आपको वीडियो सर्च करनी है, या फिर आपकी आउटलुक है, या कोई भी विंडोज लाइव मेल ईमेल है, या फिर आपके कोई अदर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इसने सर्च करके दिखा दिया, जो ऑलरेडी मेरी ड्राइव के अंदर जो भी डाटा है इसने वो सर्च करके दिखा दिया है। अब ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डीप स्कैनिंग का, जो कि ये एग्जीक्यूटिंग डीप स्कैनिंग यहाँ पे दिखा रहा है। इतनी फाइलें ये स्कैन करेगा, इसमें इसको टाइम लगेगा 54 मिनट्स, 54 मिनट्स अप्रोक्स लगेंगे। उसके बाद ये अदर लॉस्ट फाइल्स ढूंढ के लाएंगे, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाइज आपका पूरा का पूरा डाटा रिकवर करके आपको सामने दे देगा। जैसे जैसे आपके फोल्डर्स बने होते हैं, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, उसके अंदर फाइल्स, एज इट इज आपका आ जाएगा डाटा, और आपको ईजी तरीके से आप उस पर क्लिक करके जो भी आपको रिकवर करना है। सपोज मैंने इस पर क्लिक करा, अब मैं इसको रिकवर करना चाहूँगा तो ये डाटा को रिकवर करके दे देगा। तो फ्रेंड्स ये तो मेरा ऑलरेडी डाटा अभी मेरी ड्राइव के अंदर है, बट ये लॉस्ट फाइल करके जब ये डाटा को ढूंढ के लाएगा, अदर लॉस्ट फाइल करके, ये आपको इसी के जस्ट नीचे आपको शो कर देगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।